ये सोचे कि चाइना चाइना एफएटीएफ से कैसे बचा लेगा, तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका से ठीक हो जाएगा तो फिर साहब इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी ना सर, इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी इंडिया के साथ, क्योंकि अमेरिका है वहां पे, फिर थोड़ा बहुत जापान से भी आ जाएगा, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, थोड़ा कनाडा से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये जो आएगा ये, और अमेरिका की जो टर्म्स एंड, अमेरिका ने एड दी है सर, चाइना ने लोन दिया है। तायर साहब लेट्स बी वेरी क्लियर, चाइना एड नहीं देता पाकिस्तान को, चाइना लोन देता है एक मुश्किल शर्तों में, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है हर एक इन्वेस्टमेंट पे। अमेरिका ये कहता है चलो पोरिया के कतरे डालने लो, स्कूल बनाने लो। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ही कहा फिर कि हम कोई अड्डे नहीं दे रहे, अमेरिकन्स ने कह दिया कि भाई हमें फैसिलिटेशन मिल रही है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शायद अंदर अंदर से फैसिलिटेशन हो। मैं इसको बात जोड़ता हूँ गौरव भाई चाइना के साथ भी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाइना की ठीक है पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे से दोस्ती है, आपस में साथ भी चलता है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह का, जिसे कहते हैं ना अनचेक किस्म की मदद अमेरिका से मिली, कभी चाइना से नहीं मिली। और पाकिस्तान खुश नहीं है या गमगीन है कि कुछ अरसे से मदद नहीं मिल रही, मदद अभी भी अमेरिका रिस्टोर नहीं कर रहा, सिचुएशन क्या है? सर ऐसा था कि दो मुआहदे साइन करे थे परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे अमेरिका के साथ सर, और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जी लॉक और ए लॉक। तो कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान जो है अपना एरिया फराम करेगा और वहां से उनके जो भी लॉजिस्टिक्स होंगे, उनके ड्रोन्स होंगे, उनके फाइटर जेट्स होंगे जो कि ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो अगला अटैक भगवान न करे अगर अमेरिका के सॉइल के ऊपर आता है या नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे आता है, इट विल ओरिजिनेट उनके उनके अपने सर, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी उनका बेस है और मुख्तलिफ जगह यूएई में उनके बेस हैं, तो यहाँ पे भी उनको एक बेस चाहिए जहां जहां पे अमेरिका को लगता है कि उसके लिए थ्रेट है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, और अगर अफगानिस्तान का सर कोई समुद्री किनारा होता अफगानिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान का जो भी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो जीरो हो जाता है, और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे खेल रहा है। क्या इंडिया को चाहिए रास्ता अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, अमेरिका को चाहिए, वेस्टर्न पास को चाहिए, तो अभी ईरान से तो इनकी बन नहीं रही है तो यहां से पाकिस्तान से जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। चाइना को नहीं चाहिए, देखिए रशिया को नहीं चाहिए, नो दीज ग्रेट पास डू नॉट रिक्वायर पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। एक बात यह हुई। दूसरी बात ताहिर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि यह अड्डे दे चुका है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और अड्डे इसलिए दे चुका है मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहां पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साहब है भी नहीं देने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी, यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी दी, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी सर, जमीन कैसे दी सर, वो गिलगित बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहां पे गवादर तक आएगी तो जमीन है, यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का, तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है, तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है, चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इन टू फिलेंथ्रोपी एंड ऑल दैट, चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए, कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूं, उनका सीधा फंड है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को देखिए जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीजें जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत
तो वो चीज वो जब्त कर ले, जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो दो साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी, गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है, तो ये सब तो हुआ नहीं। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत ने साजिश करी, ठीक है, पर भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है? वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या भारत इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने चाइना के साथ भी गेम कर दिया और चाइना का प्रोजेक्ट रुकवा दिया? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। तो सर ये तो जमीन गई, ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विथ योर परमिशन सर, अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं पाकिस्तान में, अगर आएंगे 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं, तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर उनके? क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना, तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक्स, ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता, ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अगर ये सी रूट से आता है सर, तो क्या ये पाकिस्तान के पास दो पोर्ट है, एक बिन कासिम है कराची वाला, वो किनियारी बिन कासिम दैट एरिया सर, जहां पे पोर्ट है उनका पूरा बना हुआ है, दूसरा इनका है गवादर। अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयरबेसिस दे रहे हैं, तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स। अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं और वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स चलेंगे तो साहब एविएशन फ्यूल चाहिए उनको, एविएशन फ्यूल कहां से आएगा सर? या तो गल्फ से आएगा या जो भी रिफाइनरी होगी वहां से आएगा, आपको भारी मात्रा में एविएशन फ्यूल चाहिए। अगर वहां पर फाइटर जेट्स होते हैं सर, तो हर सुबह वहां पर सॉर्टीज वो होंगी, टेक ऑफ टेक ऑन करेंगे, वहां पे लोकल प्रोटेक्शन के लिए आपके मरीन्स होंगे, आपकी आर्मी वाले होंगे, आपके हर किस्म की चीज होगी सर वहां पे, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट नोवेयर टू गो, पाकिस्तान को यह देखना पड़ेगा सर कि अब यह चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है। आपने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया, ये वाकई दुरुस्त है, क्योंकि पहले जो हालात होते थे पाकिस्तान के, चाइना के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे, अमेरिका के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे। अब जो अमेरिकन्स वहाँ पे अफगानिस्तान की वजह से ख़ास तौर पर जैसे वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस रखें, लेकिन दूसरी सतह पर हम ये भी देखते हैं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है गौरव भाई पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर खुश भी है कि चलिए हमारे किसी तरह से तो अमेरिका के साथ फिर तल्लुकात इस्तवार हुए, हम कह सकेंगे दुनिया को, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, यूरोपियन यूनियन को कि देखिए हमारे अब अमेरिकन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन रहे हैं, और वो चाइना को भी अंदर ये एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई आप हमें कुछ ना भी देंगे तो अमेरिकन के साथ हैं। तो ये एक डबल गेम है और इसमें उनको खुशी का भी एक आंसर हमें देखने को मिल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वैसे ही देखता हूँ उसको जैसे ताहिर साहब आप देख रहे हैं, इसमें कोई आपके और मेरी राय में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तानियों के मन में हर समय एक चीज होती है कि देखो हमने बेवकूफ बना लिया, हमने गेम खेल दिया इसके साथ, इस वो एक है उनके साथ, वो जो छोटे लेवल की चीज होती है ना कि मैंने इसको जेब काट ली इसकी, देखो मजा आ गया, वो उस टाइप का गेम खेल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज ने तो 17-18 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं अभी तक, तो चाइना का ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कि जिससे चाइना डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज है कि अमेरिका पैसे का सोर्स तो है ही, दूसरी चीज चाइना के पास कोई इदारे नहीं है सर, ठीक है, चाइना के पास कोई भी इदारा नहीं है जो पाकिस्तान को इस वक्त, जो पाकिस्तान अटका हुआ है, पाकिस्तान को बचा ले, ना चाइना एफएटीएफ से बचा सकता है पहली बात, ना आईएमएफ से बचा सकता है, ना वर्ल्ड बैंक से बचा सकता है, ये सारे के सारे जितने भी इदारे हैं गोरों के हैं सर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इदारे हैं, ये चाइना के इदारे, चाइना का इदारा है ही नहीं, चाइना तो फैक्ट्री है बहुत बड़ी बस। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है सर, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है, ये सारे के सारे गोरे के हाथ में, और गोरे के कैसे हाथ में, गोरे के इस तरीके से हाथ में कि जैसे आपने बोला एफएटीएफ फ्रांस के हाथ में सर, ठीक है, आईएमएफ इज फंडेड मोस्टली बाय द वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका सर, यूनाइटेड नेशंस। तो आपको गोरे से तो टकराना ही है, व्हाइट मैन से आप नहीं छूट सकते, आप व्हाइट मैन से नहीं छूट सकते, आप ये सोचें कि चाइना एफएटीएफ से कैसे बचा लेगा, तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका से ठीक हो जाएगा तो फिर साहब इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी ना सर, इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी, इंडिया के साथ, क्योंकि अमेरिका है वहां पे, फिर
थोड़ा बहुत जापान से भी आ जाएगा, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, थोड़ा कनाडा से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये जो आएगा, और अमेरिका की जो टर्म्स एंड, अमेरिका ने एड दी है सर, चाइना ने लोन दिया है। टाइम्स अप, लेट्स बी वेरी क्लियर, चाइना एड नहीं देता पाकिस्तान को, चाइना लोन देता है एक मुश्किल शर्तों में, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है हर एक इन्वेस्टमेंट पे। अमेरिका ये कहता है चलो पोरिये के खतरे डालने लो, स्कूल बनाने लो, ये यू नो, इवन कैरी लुगरविल, कैरी लुगरविल क्या कह रहा था जो इनको इतना बुरा लगा और नाजेबा गुजरा पाकिस्तानियों को, कैरी लुगरविल वॉज बेसिकली फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान एरिया। तो उन्होंने जो कैरी लुगर का बिल वो लेकर आए थे, जो पाकिस्तान में बहुत सब उसकी बड़ी बुराई करी थी, हमारी खुद मुख्तारी की तरफ आंख दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी खुदमुख्तारी होती है सर, इट्स नॉट ज्योग्राफिकल, इट इज इकोनॉमिक सर। इकोनॉमिक खुदमुख्तारी अगर किसी मुल्क में हो तो फिर ज्योग्राफिक खुदमुख्तारी या इलाकाई खुदमुख्तारी फिर उसके बाद कायम हो सकती है।